बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जमात हसन के तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का दर्स है दर्स नंबर 9। तो अपनी किताब का सफ़ा नंबर 7 खोलें जी। आज हम चेयर नंबर 3 और 4 की तशरीह करेंगे। पहले पढ़ाई करेंगे। एक मुद्दत से भटकते हुए इंसानों को एक मरकज़ पे बुलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। मुद्दत अरसा, भटकते हुए रास्ता भूले हुए। मरकज़ कल्ब वस्त दरमियान दरमियानी जगह। बुलाना दावत देना आवाज़ देना। तो इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। एक मुद्दत से भटकते हुए इंसानों को एक मरकज़ पे बुलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इस शेर में शायर सागर सिद्दीकी कहना चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त नबी बनकर आए, इंसान बहुत ज़्यादा गुमराही में डूब चुके थे। वो बहुत ज़्यादा अपनी मंजिल से दूर थे, वो रास्ता भूले हुए थे। इससे मुराद ये है कि उन्हें इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारने का कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा था। वो अपने इस दुनिया में आने के असल मकसद से गुमराह हो चुके थे। वो नहीं जानते थे कि उनका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। तलबा, आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कई तकरीबन बाद नबी बनकर आए। अब इस अरसे में कोई भी लोगों की इंसानों की हिदायत के लिए राहबर मौजूद ना था, ठीक है। इंसान तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला हो चुके थे। तो यूँ उन इंसानों के पास अपनी असल मंजिल ना थी, ना उनको ये पता था उनका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारेंगे तो वो कामयाब होंगे, या उनको उनका जो है वो उनकी ज़िंदगी का वाहद मरकज़ क्या है। उन्होंने इस दुनिया में किस के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, किस की रज़ा के लिए काम करना है, वो इन तमाम बातों से बेखबर थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनकर आए, जब अल्लाह ताला ने आपको मबूस फरमाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम इंसानियत की, उन तमाम इंसानों की रहनुमाई का ज़रिया बने। उन तमाम इंसानों के लिए आपने रहबर और रहनुमा होने का बेड़ा उठाया। आपने अपनी रहनुमाई से उन तमाम भटके हुए इंसानों को, उन तमाम रास्ता भूले हुए इंसानों को गुमराही से निकाल कर हिदायत के रास्ते पर चलाया। आप ही वो ज़रिया बने जो उन्हें एक मरकज़ की तरफ लेकर आए। वो मरकज़ क्या था? वो मरकज़ दीन इस्लाम था। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम भटके हुए इंसानों को दीन इस्लाम की तालीमात दी, ठीक है। और वो तालीमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैसे पहुंची? जी हाँ, कुरान पाक के ज़रिए। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाज़िल फरमाया। उसके बाद आपने कुरान पाक में की गई तमाम बातों को एक शरीयत करार दिया और उस शरीयत पर लोगों को जमा फरमाया। यानी कि आपने भटके हुए इंसानों को, अपनी मंजिल से गुमराह इंसानों को, रास्ता भूले हुए इंसानों को, अपनी ज़िंदगी के मकसद के भूले हुए मकसद को भूले हुए इंसानों को दीन इस्लाम का, दीन इस्लाम के झंडे तले जमा किया। अब वो तमाम लोग भटके हुए नहीं थे, अब उनके पास वाजिया लाहा अमल आ चुका था। अब उनके पास दीन इस्लाम की सूरत में वाजिया ज़ाबता हयात आ चुका था, जिसके मुताबिक उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी, ठीक है। यूँ आपने इन सबको हिदायत का रास्ता दिखाया, आपने इन सबको दीन इस्लाम की तालीमात सिखाईं, बताईं, उन पर खुद अमल करके दिखाया। यानी कि आप सल्लम जो कहते थे उस पर खुद भी अमल करते थे, ताकि लोगों को उस पर अमल करने में कोई दुश्वारी ना हो। वो ये ना कहें, वो ये ना सोचें कि इस पर तो हम इन तालीमात पर अमल नहीं कर सकते, कि हमारे लिए नहीं है। बल्कि आपने अपनी ज़िंदगी से उन तमाम तालीमात पर अमल किया कि लोग, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। यानी कि दीन इस्लाम की तालीमात ऐसी तालीमात हैं कि हर इंसान उस पर आसानी से अमल कर सकता है। वो बिल्कुल इंसान की ज़हनी जिस्मानी जज्बाती सलाहियतों को देखते हुए, इंसानी नफ्सियात को देखते हुए वो तालीमात अल्लाह ताला ने वज़ा की हैं, ठीक है। तो दीन इस्लाम की तालीमात हर इंसान के लिए जामिया हैं, काबिल अमल हैं, और वही तो हक की बातें हैं, वही तो वो पैगाम है जो जिसको अगर हम जिस पर अमल करें तो हम अपनी ज़िंदगी को दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में संवार सकते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम भटके हुए इंसानों के लिए एक मरकज़ यानी दीन इस्लाम
लेकर आए और दीन इस्लाम के झंडे तले सब इंसानों को जमा करते हुए सबको अच्छे अच्छे तालीमात सिखाई, जिससे इंसानियत को एक दूसरे से प्यार करना आया, इंसान को इंसान का मतलब समझ आया, इंसान को इंसानियत से प्यार हुआ, इंसान को एक दूसरे के हकूक़ अदा करना आए, इंसान को एक दूसरे के फ़राइज़ अदा करना आए, ठीक है। फिर इंसानों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, हमदर्दी और एहसास के जज्बात पैदा हुए। इससे पहले इंसान इन तमाम बातों से बेखबर थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को एक ही तालीमात देते हुए उन्हें एक मरकज़ पर जमा किया। अगला शेर है, नाखुदा बन के उमड़ते हुए तूफ़ानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। नाखुदा मतलब मल्लाह, मल्लाह कौन होता है? कश्ती का मालिक, कश्ती चलाने वाला, कश्ती बान, जो कश्ती को सही मंजिल की तरफ ले जाए। उमड़ते हुए, उमड़ना मतलब उभर उभर कर आना, ज़ोर शोर से आना, तुगयानी में आना, ठीक है। तूफ़ान, तूफ़ान आपको पता है कि समुद्री हवाएं जो समुद्र के मौजों को समुद्र से बाहर निकाल फेंकती हैं। पार लगाना मतलब किनारे तक पहुंचाना, साहिल तक पहुंचाना। अब इस शेर में शायर सागर सिद्दीकी ने एक मिसाल के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद बताते हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमात बताते हुए, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी को हमें बताया है। कैसे? कि जिस तरह एक समंदर में जब तूफ़ान आता है तो नाखुदा यानी कि कश्ती का मलाह ही होता है जो उस कश्ती को उन समंदरी तूफ़ानी हवाओं से, उन समंदरी मौजों से बहिफाजत साहिल तक पहुंचाता है। कि अगर वो मलाह या वो कश्ती बार ना होता तो शायद वो कश्ती समंदर में डूब जाती, ठीक है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनकर आने से पहले इंसानियत की कश्ती जहालत के तूफ़ान में घिरी हुई थी, वो जहालत के समुंदर में डूब रही थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में इंसानियत की कश्ती के मलाह बनकर आए, इंसानियत की कश्ती के मालिक बनकर आए। यहाँ पे मलाह से मुराद रहनुमा, रहबर भी है। कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो हमारा कोई पुरसाने हाल ना था, ठीक है, और हमारी इंसानियत की कश्ती डूब चुकी होती और आज हमारा नामो निशान ना होता। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से, रहबर और रहनुमा बनकर आने से, वो तूफ़ान जो कि इंसानियत की कश्ती को डुबो रहा था और इंसानियत की कश्ती हिचकोले खा रही थी, इंसानियत की कश्ती डगमगा रही थी, उस तूफ़ान में मुतज़लज़ल हो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से उस कश्ती को पार लगाना मुमकिन हुआ। वहाँ पे क्या होता था कि अरब में, अरब एक ऐसी जगह थी जो पूरी दुनिया में कुफ्र और शिर्क के मरकज़ के साथ साथ हर किस्म की माशरती और माशी बुराई भी अरब के लोगों में आ चुकी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरब में ही पैदाइश से अल्लाह ताला ने इंसानियत के पर एक बड़ा एहसान ये किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पैदा फरमा कर, वहाँ आपकी तरबियत फरमा कर, वहाँ के लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना कर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की कश्ती को उस तूफ़ान से निकालने का वसीला बनाया, ठीक है। कि आप सल्लम ने जब अपने इर्द गिर्द माशी बुराइयों में डूबे हुए लोगों को देखा तो आप सल्लम उनसे बहुत बेजार रहते। 40 साल की उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बने थे? नबी। आप सल्लम पर नबूवत मबूस फरमाई गई और 40 साल तक आप अपने इर्द गिर्द बुराइयाँ होते तो देखते थे, लेकिन आप उनसे बेजार रहते थे। आप कभी भी उनमें, उन लोगों के साथ उन बुराइयों में शरीक ना होते थे। आप यहाँ तक कि आप गारे हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाया करते थे, यानी कि आप दूसरे लोगों से किनारा कश रहते थे। फिर अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाकर भेजा। फिर आपने अल्लाह ताला की तालीमात को लोगों पर वाजिया किया, लोगों को सबसे पहले तौहीद का पैगाम दिया, फिर आपने लोगों को एक दूसरे के हुकूक व फ़राइज़ समझाए। फिर वो लोग जो कि छोटी सी मामूली से मामूली बात पर भी 40-40 साल तक जंगो जदर करते थे, आपने उन लोगों में प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा कायम की। आप लोगों ने उन लोगों को एक दूसरे की हमदर्दी करने का सबक सिखाया। आप लोगों ने उन लोगों को, आप सल्लम ने उन लोगों को एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आने का दर्स सिखाया। आप सल्लम ने उन लोगों को हिदायत, एक दूसरे के दुख दर्द बांटने का सबक सिखाया। फिर आप सल्लम ने, मतलब वहाँ पे तब किसी के भी हकूक महफूज नहीं थे, गुलामों पर जुल्म तशद्दुद होता था, फिर गरीब पर जुल्म होता था और अमीर चाहे गुनाह भी करता, बड़े से बड़ा गुनाह करता, उसको सज़ा ना मिलती। फिर मुआशी तौर पर लोगों को कमज़ोर किया जाता, लोगों से सूद लिया जाता और उनका मुआशी इस्तेहसाल किया जाता।
फिर लोग जो हैं वो मेहनत से घबराते थे और वो जुआ खेलते और वो मतलब तरह तरह की जो है वो मेहनत किए बगैर जो है गलत और नाजायज़ हथकंडे इस्तेमाल करके वो दौलत कमाते। ठीक है, तो यूँ यानी कि कोई भी किसी के भी इंसान के दुखों का और गमों का मदावा करने वाला ना था, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा था, जालिम जो था वो जालिम से जालिम तर होता जा रहा था और मज़लूम पर कोई भी जो है हाथ जुल्म करने से हाथ ना रोकता था। ऐसे सूरत में कौन उनका रहनुमा था? फिर ऐसी सूरत में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमा कर भेजा, यहाँ तक कि आपने इंसानियत की भलाई के लिए खुद बहुत से जुल्म जालिम बर्दाश्त किए। कुरैश मक्का ने आप सल्लम पर आप सल्लम के ख़ानदान पर बहुत मजालिम ढाए, लेकिन आप सल्लम ने अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हटना मुनासिब ना समझा। आप सल्लम इंसानियत की भलाई के लिए, क्योंकि आप इंसानों के लिए रहमत बनकर आए थे, आप तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए थे, आप सल्लम खुद तकलीफ बर्दाश्त की, खुद मजालिम बर्दाश्त किए, लेकिन अपनी उम्मत की भलाई के लिए आपने दिन रात अपनी इस तबलीग दीन को जारी रखा। आपने हिजरत मदीना की मिसाल देखी होगी कि वहाँ हर इंसान ने हर महाजिर को अपना भाई बना लिया, यहाँ तक उन्होंने अपनी जायदाद अपने कारोबार में उनको शरीक किया। ठीक है, तो इन सब का मतलब क्या है कि आप सल्लम ही इंसानियत की कश्ती को बचाने के लिए आए, आप सल्लम ही इंसानियत की कश्ती को, डूबती हुई कश्ती को पार लगाने आए, आप उसे साहिल तक पहुँचाने आए। तो यूँ आप सल्लम ने अपनी दिन रात की मेहनत से 23 साल अरसे में अपने इस इंसानियत की कश्ती को तूफ़ानी मौजों से, तूफ़ानी हवाओं से, तूफ़ानी हिंचकोले खाने से अपनी इस कश्ती को बचाया और बहिफाजत जो है वो उनको दीन इस्लाम की तालीमात के ज़रिए साहिल तक पहुंचाया। अब वो लोग अपनी ज़िंदगी दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक गुजारने लगे और नफ़रत और इंतकाम की जगह प्यार मोहब्बत और हमदर्दी और एहसास ने ले ली और एक दूसरे से हुस्न सलूक करते हुए लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। और जी हमारी आज की तशरीह मुकम्मल हुई, अगले दस्तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तलबा आपके लिए एक पैगाम है कि आप लोगों ने हम्द या नात का जो भी किताब का काम किया है उसके लिए किताब चेक करवाने के लिए आप स्कूल नहीं भेजेंगे, जब आप बाकायदा स्कूल आएँगे तब आप वो काम क्लास में ही चेक करवाएँगे, वो काम क्लास में ही चेक किया जाएगा। शुक्रिया।